हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टुडे इज डे 3 ऑफ रांची। और अभी हम जो रास्ते में आ रहे, जो भी सीनरी व्यू आपने देखा, ये हिनरी फॉल का रोड था। और अगर हिनरी फॉल के बारे में बताओ तो ये थोड़ा आपको नेक्सोलाइट एरिया में, और जो हिनरी फॉल है वो रांची से आपको अराउंड 60 किलोमीटर दूर है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे राज और प्रिंस बता रहे हैं कि अगर हम मानसून टाइम यहाँ आए तो यहाँ का व्यू और भी डबल ट्रिपल जितना आप बोलो उतना हो जाता है। लेकिन अभी भी मार्च के मंथ में बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है, देख लो। खूबसूरत, बस ये सोचो अगर मार्च के मंथ में ये इतना खूबसूरत दिख रहा है तो मॉनसून में कैसा लगेगा। फॉल के सामने से स्टेयर है और शायद हमें ऐसा लग रहा है कि आपको फॉरेस्ट में या फिर ऊपर जो नदी होगा वहाँ ले जाएगी। बस जाके देखते हैं क्या है। है ना बहुत प्यारा यार। लेकिन तो फिर सीढ़ी से आप यहाँ आओगे और फिर यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है और आप वहाँ पहुँचोगे। लेकिन हम ऊपर नहीं जा रहे क्योंकि टाइम हो चुका है 2 और हमें और भी जगह जाना है। पंचगा करके एक जगह है, वहाँ भी जाना हमें, तो फिर लेट हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया था नक्सलाइट एरिया, तो आप जल्दी आना और जल्दी निकलना यहाँ से। और ये यहाँ का पार्किंग काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, साफ़ सुथरा है। और यहाँ पे एक छोटा सा शॉप है वो रहा, यहाँ पे आपको हल्का फुल्का स्नैक्स, पानी या चिप्स विप्स मिल जाएगा। तो अगर आप आ रहे हो, अगर अच्छे से प्रॉपर लंच का, अगर आप प्रॉपर लंच का सोचो तो लंच वंच अपना लेके आना, स्नैक्स मिल जाएगा आपको। वो शॉप है, हल्का फुल्का स्नैक्स मिल जाएगा। तो फिर हम पहुंच गए अभी पंचगाग, यहाँ से एंट्री है। वहाँ पे आपको एंट्री चार्ज देना होगा 7 रुपीज़ पर हेड, और अगर आप कार पार्क कर रहे हो तो 25 रुपीज़। सेम आपको वहाँ पे भी था हिंडी फॉल्स का। अब बेस्ट पार्ट अभी ये हो रहा है कि झारखंड टूरिज्म भी ना इन सब जगहों में इन्वेस्ट कर रही है ताकि ये टूरिस्ट यहाँ पे और आएँ। और यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर 5 नदी का घाघ एक जगह मिलता है, इसलिए इसका नाम है पंचगाग। तो फिर ये यहाँ का स्विमिंग पूल है, जैसा ये बोल रहे हैं, और ज़्यादा गहरा भी नहीं, ये आपके नी तक आएगा। और लोग यहाँ नहाते भी है लेकिन पानी थोड़ा गंदा सा लग रहा है। बाकी जो पंचगाग मिलता है, हमने जो बताया था, वो ऊपर से वहाँ से वो ऊपर से उधर से चल के आपको जाना है। अब वही जा रहे हैं। तो फिर इधर से आपको चल के जाना उस साइड। तो फिर यही है शायद पंचगाग, क्योंकि हम ऊपर आके भी देख लिए और कुछ दूसरा चीज़ दिख नहीं रहा। तो यही है पंचगाग, ये ठीक है,
आपके मूड पे आना हो तो आना, नहीं आना तो कोई लोड नहीं है, उतना वाव फैक्टर नहीं है। अगर लेकिन अगर आप हिंडी फॉल्स जा रहे हो तो ये रास्ते में ही पड़ेगा आपके, तो आ भी सकते हो अगर मन करे तो। तो फिर ये था पंचकाग, अब अपन वापस जा रहे हैं। देख लेना, मन करे तो आना, ना मन करे तो मत आना, उतना कुछ मतलब ओके ओके छोटा मोटा ट्रैक मिल जाएगा। और आपने अभी जो टाइम लैप्स देखा था वहाँ पे बस बैठे हुए थे, गाना वाना सुने, थोड़ा चिल विल के बात बात हुआ, और अब अपन जा रहे वापस घर। तो अगर आप मोराबादी आ रहे हो तो यहाँ पे एक लोकल डिश है जिसका नाम है डुस्का, वो ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी है। और ये दुस्का आलू चना सब्जी जलेबी और अचार है। आपको ये इसके सामने मिल जाएगा दुस्का। I wish to be something special. ओके सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू हैव एंजॉयड इट, क्योंकि आपको एक नया डेस्टिनेशन हमने दिखाया है रांची। और राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग इन खेल गांव, जैसा कि आप देख रहे हो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, बहुत ही प्यारा जगह है यार, मतलब रांची वर्थ है आने के लिए। 3 दिन 4 दिन का ट्रिप बना के आओ तब भी शायद आपको 3 दिन 4 दिन कम पड़े यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ पर और भी इतने सारे जगह है ना जो अभी हमने आपको दिखाया नहीं है। जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फॉर श्योर वी विल शो यू। और अगर आपका रांची आने का प्लान बन रहा है सो डू ट्राई टू कम इन मानसून, क्योंकि मानसून में जगह और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इस ट्रिप के लिए रांची का जितना डेस्टिनेशन हमने कवर किया वो सब आपको दिखा लिया। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा रांची। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो योर पैशन टू लिव लाइफ। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।